गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यभर में हाई अलर्ट घोषित, सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। बॉर्डर पर लगातार हो रही फायरिंग को लेकर गुलाम नबी आजाद ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा यूपीए की तुलना में एनडीए के कार्यकाल में सीमा पर हुई ज्यादा फायरिंग। डोडा जिले में दो सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मृत्यु, 50 के करीब लोग घायल। बड़े पर्दे पर आज रिलीज हुई फिल्म पद्मावती, सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एटीवन नेशनल वोटर डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को वोट के महत्व के बारे में किया गया जागरूक। और अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने वाली कठुआ की डॉक्टर निशा को कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में।